इसराइल से मुकाबला करने चले हमास की हेकड़ी अब गुम हो गई है। इजरायली सेना दिन प्रतिदिन गाजा पट्टी में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिक और शिन बैंड के कमांडो लगातार हमास के सरगना स्माइल हानिया के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में हानिया के बचने की संभावना भी अब कम होती जा रही है। इस बीच मिस्र के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में हमास की बागडोर संभाल रहा याया सिनवार इजरायल के साथ शांति समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है जिसमें उसके खुद की जान माल की सुरक्षा शामिल है। ये वही शख्स है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले की पूरी प्लानिंग को आखिरी मंजूरी दी थी। दरअसल लंदन के अरबी अखबार अशरक अल अवसत ने मिस्र के खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा कि हमास सरगना इस्माइल हानिया इसराइल के साथ समझौता चाहता है जिसमें उसके जीवन की सुरक्षा की गारंटी हो। उसने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों के हवाले से बताया कि समझौते की आउटलाइन निर्धारित की जा चुकी है। ये आउटलाइन इजरायली पक्ष के साथ समझौतों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अधिकारी ने कहा कि निश्चित तौर से एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है, लेकिन सिनवार के साथ बातचीत करना चुनौतीपूर्ण है। हम जानते हैं कि सिनवार समझौता करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अपने अमेरिकी समकक्षों के बातचीत में मिस्र के अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण शर्त का खुलासा किया है। अगर बंधकों की वापसी के साथ साथ कोई समझौता किया जाता है तो सिनवार अपनी सुरक्षा और जीवन की गारंटी पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि इसराइल को समझौते के बाद सिनवार की हत्या करने से बचना चाहिए। मिस्र के सूत्र ने बताया कि गाजा की सुरंगों में छिपा याह्या सिनवार जरूरत पड़ने पर संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कई हाथों से गुजरेगा जिसमें फिलिस्तीनी, मिस्र, अमेरिकी और आखिर में इजरायली अधिकारियों तक पहुंचेगा। इजरायल और हमास में शांति को लेकर मिस्र ने मुश्किलों को भी स्वीकार किया है। मिस्र यानी कि इजिप्ट के अधिकारियों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हालात बदल गए हैं। अब हमास के पास वार्ता के लिए सम्मानजनक प्रतिनिधिमंडल नहीं है। हमास सरगना इस्माइल हानिया ने कथित तौर पर सीनियर मिस्र के खुफिया अधिकारियों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए इजरायली प्रतिनिधिमंडल के साथ काहिरा में प्रतिनिधियों को भेजने के विचार को अस्वीकार कर दिया है।